क्या आपको भी हो रही है अपने बच्चे को जानने में कठिनाई? क्या आप भी जानना चाहते हैं एक बेहतर तरीका अपने बच्चे को समझने का? अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांगावकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, वो किसी भी पेरेंट के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और उसे कैसे आजमाया जा सकता है, इसके बारे में तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन अभी ऑन कीजिए। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चे के चेतन और अचेतन मन के विकास का अभ्यास। किसी भी पालक के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो जाने कि अपने बच्चे का कौन सा बर्ताव सामान्य है और कौन सा असामान्य, कौन सा बर्ताव है जो कि एक सिर्फ टैंट्रम है और कौन सा ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो रहा है जो एक मेंटल इलनेस को नियोता दे सकता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना किसी भी पालक के लिए एक कठिन टास्क से कम नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी का अभ्यास हर एक पालक की मदद करता है अपने बच्चे के ओर पहुंचने में। ये हमारी मदद करता है ये जानने के लिए कि हमारे बच्चे की सूझबूझ किस दिशा में जा रही है, किस प्रकार हमारा बच्चे सोचने लगे हैं, किस प्रकार से वो इस दुनिया को देखने लगे हैं, और ये हर एक पालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइल्ड साइकोलॉजी का अभ्यास करने के बाद कोई भी पालक अपने बच्चे की भावनाओं को सही तरह से समझ पाता है, और इतना ही नहीं, वो अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप करने में अपने बच्चे की मदद कर सकता है। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ब्रिज है जो बच्चों के और पालक के बीच में बंधा गया है, जो उनके बॉन्ड को और भी मजबूत और भी घनिष्ठ बना देता है। तो ये था चाइल्ड साइकोलॉजी का महत्व। आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किस किस चीज़ों का समावेश होता है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास में हर तरीके का माइलस्टोन पकड़ा जा सकता है, जैसे कि नेक होल्डिंग योर हैंड्स, क्रॉलिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, हर उस प्रकार का लर्निंग जो फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है एज अ चाइल्ड टिल अ एडल्ट। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि समझने की क्षमता। ये बहुत प्रतिशत अपनी माँ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को रिएक्ट करके दिखाती है, बच्चे की डेवलपमेंट भी उसी तरह से होती है, उसी तरह से उसका परसेप्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माँ किसी चीज़ को लेकर बहुत एंशियस है, अ वेरी एंशियस मदर है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि उसका बच्चा भी एक एंशियस चाइल्ड बने, यानी कि क्या होगा आगे इसके बारे में ज़्यादा सोचे, वरीज ज़्यादा हो, जिसके बारे में हाइपर ज़्यादा रहे। ये ज़्यादातर माओं से आता है, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है जब आप अपने बेटे या बेटी के सामने डील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर। तीसरा होता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारे भावनाओं का विकास। अब जिस प्रकार की भावनाएं हम अपने बच्चों में पैदा करते हैं, उन्हीं प्रकार की भावनाएं वो रिफ्लेक्ट करते जाते हैं। अगर हम हमारे बच्चों को एक सिक्योरिटी, एक केयर, एक वार्म देते हैं, तो उसी प्रकार की भावना उनसे रिफ्लेक्ट होती है और वो सिक्योर फील करते हैं। वैसे ही अगर किसी बच्चे को वक्त ना दिया जाए, बहुत ही इनिशियल उम्र में अगर उसको कम वक्त अपने पेरेंट्स के साथ मिले, तो वो बच्चा आगे जाके इनसिक्योर बनता है। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें हम अपने बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। अगर आप आपके बच्चे के हर बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाता है कि आपका बच्चा आगे जाके लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड बने। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो प्रगतिशील विकास के अलग अलग टप्पों से हो गुजरते हैं। इन सभी के दौरान उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स टोटली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी मदद करता है इन सभी एक्सपीरियंस को समझने में और बच्चे के कॉग्निशन को डेवलप करने में, यानी कि उसकी सूझबूझ, उसकी समझ, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसकी सोच,
उसके बिहेवियर को डेवलप करने में और सही रखने में। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें कैसे इफेक्ट कर सकती है, उसके अलग अलग थियोरीज कौन से हैं और कैसे एक बेहतर पेरेंट बन सकते हैं, ऐसे पेरेंटिंग टिप्स लेके मैं अगले हफ्ते मिलती रहूँगी। इस सीरीज की आज ही से शुरुआत होती है, तो हर मंडे मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे चाइल्ड एंड पेरेंटिंग टिप्स के साथ। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे।